आयुर्वेद का खजाना हमारे किचन में भी मौजूद है। चलिए आज इसी खजाने में से एक मैजिकल और मल्टीपर्पज हर्ब की बात करते हैं, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिसके बहुत सारे गुण हैं। आयुर्वेद के अनुसार सभी बीमारियों का जड़ है वात पित्त या कफ दोष का इम्बैलेंस होना, और ये मैजिकल हर्ब इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके गुणों की और कैसे ये काम करता है। ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन, क्योंकि इसमें मौजूद कर्क्यूमिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट होता है और ये डायबिटीज को ठीक करने में आपकी मदद करता है। हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग, इसमें मौजूद कंपाउंड मेमोरी और अटेंशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, साथ ही ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। साथ ही BDNF नाम का प्रोटीन बढ़ाते हैं जो न्यू ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज एक साथ काम करती हैं और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रखती हैं। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ बॉडी टॉक्सिन्स, ये बॉडी के सेल्स और चैनल्स की ब्लॉकेज को खोलता है और साथ ही बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर रात को सोने से पहले हल्दी के पानी का सेवन किया जाए तो ये डोपामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से आपका मूड और स्लीप रेगुलेट होगी। मूड अच्छा तो नींद अच्छी। इट सपोर्ट्स इन लिवर हेल्थ, हल्दी में मौजूद कंपोनेंट्स हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि यूं कहें कि खुले घूम रहे जर्म्स को पकड़ लेते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और साथ ही लिवर रीजनरेशन कैपेसिटी यानी कि लीवर के सेल्स को दोबारा से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। साथ ही हल्दी का पानी बाइल जूस की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे फैट डाइजेशन में मदद मिलती है। हेल्प्स इन वेट लॉस, कंपाउंड्स ऑफ टर्मरिक फैट्स को जमा होने से रोकते हैं और साथ ही लिपिड की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ये आपके फैट को बर्न करने की ताकत रखती है, वो भी तब जब आप नींद में हो। रिलीव्स इन जॉइंट पेन्स, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड इट एक्ट एज अ नेचुरल पेन किलर्स। टर्मरिक साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि साइटोकाइन की वजह से जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस आती है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, टर्मरिक में मौजूद कंपाउंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और साथ ही गट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है। इट बूस्ट इम्यूनिटी, इसमें प्रेजेंट कंपाउंड्स WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी बनाता है। ये सेल्स बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इट प्रमोट्स हेल्दी स्किन, हल्दी का पानी डल और बेजान स्किन को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। ये कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसके आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और साथ ही स्किन यूथफुल दिखती है। साथ ही स्किन एक्ने से लड़ने में भी हल्दी आपकी मदद करती है। इट आल्सो डिले योर हेयर ग्रोथ, सो हेयर रिमूवल के बाद आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ का टाइम डिले हो सकता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें मौजूदा कंपाउंड्स ब्रेन में एडल्ट स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये स्टेम सेल्स डैमेज नर्व टिश्यू को रीजनरेट करते हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पीनिस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और इरेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ठीक करने में और बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस को कॉम्बैक्ट करने में हेल्प करता है। ये आपकी आई हेल्थ और आई रिलेटेड इन्फेक्शंस को ठीक करने में भी आपकी मदद करता है। एंड यस, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, दीज आर फैक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली रिसर्च्ड एंड देन पब्लिश्ड। एक रिसर्च के अनुसार टर्मरिक हैज द कैपेबिलिटी टू किल ब्लड कैंसर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन ब्लड कैंसर सेल पे कुछ अमाउंट ऑफ हल्दी स्प्रिंकल की गई तो कैंसर सेल्स को इस हल्दी ने किल कर दिया, इसकी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दिया। लेकिन इसमें एक्टिव कंपाउंड कर्क्यूमिन का ब्लड में एब्जॉर्ब होना जरूरी है इस प्रोसेस के लिए, और कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन होने के लिए
हल्दी को सही तरीके से सेवन करना जरूरी है। इसके लिए आप हल्दी, ब्लैक पेपर और सम गुड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन नट्स और सीड, इन तीनों का एक साथ सेवन करें तो आपकी बॉडी के ब्लड कैंसर सेल्स को भी किल करने में हल्दी मददगार साबित हो सकती है। टर्मरिक सप्लीमेंट इज अवेलेबल एट प्लैनेट आयुर्वेदा एज कर्क्यूमिन कैप्सूल्स। इसका रोजाना सेवन बहुत लाभकारी है। अब कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जहां आपको हल्दी के सेवन को अवॉइड करना है, जहां आप हल्दी का यूज कम से कम या ना के बराबर करें। जैसे कि अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो आप हल्दी का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसका सेवन ना करें। अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं तो भी आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये आपके सिम्टम्स जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लॉटिंग और डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है। जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी है वो भी इसका सेवन कम करें, क्योंकि ये आयरन के साथ बाइंड होके उसकी एब्जॉर्प्शन में बाधा बन सकता है। अगर आपको हल्दी के सभी बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसको अपनी डेली डाइट में, अपनी सब्जी में शामिल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। पूरे दिन में आधा टीस्पून हल्दी काफ़ी है, और साथ ही रात को सोने से पहले आप हल्दी का पानी पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप 2 कप पानी को गर्म कर लें। गर्म होने के बाद उसमें आधा से पौना चम्मच हल्दी डालें, इसे 2-3 बार बॉयल होने दें, फिर इसे छान लें ताकि इसमें जो भी मौजूद इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएं, और इस पानी का सेवन करें। याद रहे, पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा पानी का सेवन करें ताकि आप इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और मैजिकल हर्ब के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas online लाए हैं, ताकि हम happy and healthy life जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.